दोस्तों, वर्ष 2023 खत्म होने से पहले तुलसी पौधे के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज आने वाले वर्ष में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2023 खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और अगर इन हुए दिनों में शास्त्रों के अनुसार अगर आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो आने वाले वर्ष में आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा और वह वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी सदैव नोटों की गड्डियाओं से भरी हुई रहेगी, और मान के चलिए फिर पूरे वर्ष आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु, केतु और नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी हाथों में होता है। शास्त्र में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन में सदैव उसका सौभाग्य प्रबल रहता है। दूसरी तरफ अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको करोड़पति से कोई नहीं रोक पाता है। और इन दोनों की पूजा में अगर आप तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में विष्णु जी का वास होता है। उसी प्रकार से जो तुलसी का जो पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा कोई सामान्य सा पौधा नहीं होता है, इसको हमारे शास्त्रों में सबसे पूजनीय पौधा माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर भगवान विष्णु जी को कभी भी कोई भोग लगाया जाता है और उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता है तो वह भोग संपन्न और बड़ा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको तुलसी पौधे की सदैव पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने घर में तुलसी के पौधे को स्थापित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके घर पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने भी अवश्य ही आएंगी। और दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार अगर वर्ष समाप्त होने से पहले आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आने वाले वर्ष में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिलेगी, जिसके पश्चात भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके रह केतु आपका साथ कर देंगे, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, जिसके पश्चात आपको आपके जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन जो आएगा उसमें वृद्धि होगी और धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं वह विष्णु पुराण, तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। इन उपाय को आपको यह वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले केवल के दिन को छोड़ करके कर लेना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता है, यह बहुत अशुभ माना गया है। और रविवार को छोड़ करके किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए आने वाले वर्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ज्यादा शुभ होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय भगवान विष्णु जी की जय। माता लक्ष्मी जी की ओर एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नए वर्ष से पहले करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है राहु केतु भाग्य नवग्रह के साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 में आपका भाग्य प्रबल रहे, आपका सौभाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर दें जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हो, तो बस आपको ये वर्ष समाप्त होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेना जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आपको क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी बृहस्पतिवार की सुबह आपको नहा लेना है और पीले कपड़े पहनना है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। अब आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। मौली धागा पूरा पीला होना चाहिए, लाल वाला नहीं होना चाहिए। पीला मौली धागा आने के पश्चात आपको केवल एक लोटा जल लेना है और आपके घर में जो भी टूटू का पौधा है वहां पर आपको जाना है। अब आपको सबसे पहले तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित कर देना है और तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा लगाना है। देखिए, 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत है और परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है। बीज मंत्र है आयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, आयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो पीला मौली धागा अपने हाथ में पकड़ा है इसको अपने हाथ में पकड़े रहना है। आपको अब 11 परिक्रमा लगाने के पश्चात तुलसी पौधे के गमले के नीचे इसी पीले मौली धागे को आपको बांध देना है। केवल इतना उपाय किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको यह वर्ष समाप्त होने से पहले कर लेना है और आने वाले वर्ष में भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे आपका भाग्य आपका रहु आपका केतु आपका साथ देता रहेगा, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए अगर चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे जिससे आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी ग्रह उसका साथ देता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी धन संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्र ग्रह धन का ग्रह माना जाता है, इसीलिए शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण हुए वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप है कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आ जाए, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना, तो बस आप वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले यह छोटा सा उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा होती है। किसी भी शुक्रवार को आपको सुबह नहा लेना है, अपनी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है और आपको एक लोटा जल लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के पौधे के पास जाना है, एक लोटा जल तुलसी पौधे को अर्पित करने के पश्चात लाल मौली धागे को अपने हाथ में पकड़िए और तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा आपको लगाना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी, इस बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। अब इस लाल धागे को तुलसी पौधे के नीचे गमले पर बांध देना है। केवल इतना उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन
अगर आपने इस वर्ष के अंत होने से पहले कर लिया तो आने वाले वर्ष में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आशीर्वाद से धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मान के चलिए फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सदैव सफलता मिलती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।